ऐसा जरूरी है कि किसी के दबाव में आकर अपराधी से समझौता कर लिया जाए। दुष्कर्म जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले गुनहगार के साथ पीड़िता की शादी कराने का दबाव कहाँ का न्याय मालूम पड़ता है। यूपी के रामपुर से ऐसे ही हैरान कर देने वाली एक वारदात सामने आई है, जहां एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की से गांव के ही युवक ने बलात्कार किया और मौके से फरार हो गया, जिसमें पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। घटना को 14 दिन बीत गए, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार ही नहीं कर सकी। वही पीड़ित लड़की पर गांव के ही प्रधान सहित पंचायत के लोग दबाव भी बनाने लगे और समझौता कराकर शादी कराना चाहते थे। पीड़ित लड़की ने अपने अधिवक्ता के जरिए SP रामपुर से इंसाफ की गुहार लगाई, साथ ही मीडिया से भी मदद मांगी, जिसके बाद मीडिया के हस्तक्षेप के बाद आरोपी को पुलिस ने 14 दिन के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ का कितने उसने बिगड़ मर्जी से मेरी साथ में बदतमीजी की उसने और गलत काम करे उसने मेरे साथ में, और फिर क्या कहते हैं गांव वाले जो कह रहे हैं दबाव कर रहे हैं हम पे कि उससे शादी करो। गांव के लोग दबाव बना रहे हैं? हाँ। क्या कह रहे हैं? कि उससे शादी करो अब। मतलब मेरी बिगड़ मर्जी से हुई है, उसने गलत काम करे हैं तब वो शादी को कह रहे हैं हम गांव वाले। मेरी ननद के साथ बलात्कार हुआ है, घर से जबरदस्ती उठाने के कारण घर से निकल के चाची चाचा घर पे थे, मैं घर पे नहीं थी, मैं अपने रूम में सो रही थी, बहन वो भाभी और भैया घर पे नहीं थे, आंगन की लाइट जल रही थी, लाइट में ही सो रही थी, इन्हें ले गया, ले जाने के बाद में जंगल में जाके बलात्कार किया इनके साथ। उसके बाद अब गांव के लोग दबाव डाल रहे हैं कि शादी इसी लड़की से उस लड़का की करवा दी जाए जिसने उसके साथ बलात्कार किया है। तो पंचायत हुई थी इसमें? पंचायत हुई थी गाँव के अंदर, प्रधान भी था और भी लोग थे गाँव के पंचायती, सभी मतलब गांव के सभी निवासी इकट्ठे हो गए थे शादी करना चाहते पर लड़की के बिना मर्जी से। परिजन पीड़िता को थाना शहजादनगर ले गए, जहां पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी और जांच इतनी लंबी हो गई कि देखते ही देखते 14 दिन निकल गए। पीड़िता और उसके परिवार के मुताबिक गांव के ही कुछ पंचायती उस पर समझौता करने का दबाव बना रहे हैं और रेप करने वाले से ही उसकी शादी कराना चाह रहे हैं, जिसके लिए पीड़िता ने साफ इनकार कर दिया है। थाना शहजाद नगर में जिस केस की आप चर्चा कर रहे हैं, 16 तारीख को ये बलात्कार का मुकदमा लिखा गया, पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण हुआ है, मेडिकल सर्टिफिकेट में जो एज थी वो 18 आ रही थी, लेकिन स्कूली अभिलेख भी घर वालों ने बताया कि उपलब्ध है, उन्होंने स्कूली अभिलेख उपलब्ध कराया है जिसमें उस लड़की की उम्र 16 साल है। इस तरह ये माइनर के साथ बलात्कार का मामला है, सुसंगत धाराओं के अंतर्गत पर्याप्त साक्ष्य संकलित हो गए हैं, अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है, अतिशीघ्र शेष साक्ष्य संकलन पूरा करके माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया। लेकिन किसी को न्याय मिलने में जब इतना लंबा वक्त लगने लगता है तो लोगों का कानून व्यवस्था से भरोसा उठ सा जाता है, जिस कारण कई बार आत्महत्या जैसे मामले भी सामने आते हैं। इसीलिए कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की अब सख्त जरूरत है।